हेलो एवरीवन, और आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलयन सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विलयन। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि विलयन किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अभी क्वेश्चन उठता है कि ये समांगी मिश्रण अगर हम कह रहे हैं तो समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन एक समान रहता है, मतलब जब पदार्थों को मिलाया जाए तो उस मिश्रण का जो संगठन होना चाहिए वो एक समान रहना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने चीनी को पानी में मिलाया, तो इसकी क्या खास बात होती है, जैसे ही आप चीनी को पानी में मिलाते हैं तो उसमें मीठापन आ जाता है। अब खास बात कि वो मीठापन पूरे के पूरे मिश्रण में एक बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि कभी आपको मीठापन ज्यादा लग रहा है या कभी कम लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो चीनी है वो पानी में एक समान रूप से मिश्रित हो रखी है, मतलब इस मिश्रण का जो संगठन है वो समान है और इसलिए हम इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण, और इस समांगी मिश्रण को ही हम कहेंगे विलयन। इसके अलावा एक और खास बात समांगी मिश्रण की होती है कि इसमें हम कणों को ना तो नग्न आंखों की सहायता से देख सकते हैं और ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप चीनी को पानी के अंदर मिलाते हैं तो चीनी के जो कण होते हैं वो पानी में गायब हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब अब उसके बाद आप चीनी के कणों को ना तो नग्न आंखों से देख पाओगे और ना ही किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप चीनी के कणों को पानी में देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात याद रखें, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ को हम घटक भी बोल सकते हैं, तो यानी आप ये कह सकते हो दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब खास बात, ऐसे विलयन जिनमें केवल दो घटक उपस्थित होते हैं ऐसे विलयनों को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। वो विलयन जिनमें केवल दो घटक उपस्थित होते हैं ऐसे विलयनों को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, और इन दो घटकों में से एक घटक को विलय कहा जाता है जबकि दूसरे घटक को विलायक कहा जाता है। नॉर्मली कहा जाता है कि वो घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो, वो घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहा जाता है, और जो घटक विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उस घटक को हम विलायक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो जो चीनी है वो हमारी विलय है और जो हमारा विलायक है वो हमारा हो गया पानी। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा कि जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है वह विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो हमें पता है चीनी जो हो गई हमारी ठोस अवस्था में होती है और पानी जो हो गया हमारा वो लिक्विड स्टेट में होता है। बट जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो हमारे पास चीनी का विलयन आता है वो भी हमारे लिक्विड स्टेट में होता है। कहने का मतलब विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूं, क्या परिभाषा है इसकी, कि किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं।
यानी कि जब भी हमारे पास सांद्रता की बात आए, तो जैसे कि जानते हैं कि हमने द्विअंगी विलयन में दो घटक देखे थे, एक विलायक और एक विलेय। तो जब भी हम सांद्रता की बात करते हैं तो सांद्रता का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम वहां पे विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा की बात कर रहे हैं। अब वो मात्रा हो सकती है कि द्रव्यमान के रूप में, ग्राम के रूप में मापी जाए, हो सकती है वो मात्रा मोल के रूप में मापी जाए, हो सकती है वो मात्रा आयतन के रूप में मापी जाए। पर खास बात कि जब भी हम सांद्रता की बात करेंगे तो सांद्रता का सीधा सीधा मतलब है कि हम विलेय पदार्थ की मात्रा की बात करने वाले हैं, और वो मात्रा या तो विलेय या विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर घुली होगी। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को हम अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं उनमें से जो सबसे पहली विधि है वो है फर्स्ट ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसको हम शक्ति भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। इसकी परिभाषा है कि विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। अगर आप ध्यान से देखें इस विधि को, इस मेथड को, जिसमें हम सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो यहां पे भी बात की गई है विलेय पदार्थ की मात्रा की, और वो मात्रा हम किस में माप रहे हैं, ग्राम में माप रहे हैं, और वो किसके अंदर घुली होगी, विलयन के एक लीटर के अंदर घुली। तो विलयन के एक लीटर में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होंगे उसे हम विलयन की सांद्रता, सॉरी विलयन की शक्ति कहेंगे। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल के लिए कि भैया विलयन के एक लीटर के अंदर विलय पदार्थ के 8 ग्राम घुले हुए हैं, और मैं आपसे शक्ति पूछ लूं तो आप कहेंगे कि इस विलयन की, इस विलयन की जो शक्ति है वो 8 ग्राम प्रति लीटर है। विलयन के एक लीटर में विलय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे हम विलयन की शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र होता है विलयन की शक्ति बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन, और वो आयतन हम लीटर में मापते हैं। इसकी इकाई, इसका जो मात्रक होगा वो होगा, ऊपर वाले का मात्रक है ग्राम, नीचे वाले का मात्रक है लीटर, इसलिए विलयन की शक्ति का मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। अब इस पे जरा एक छोटा सा क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 5 ग्राम प्रति लीटर विलयन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको विलयन की शक्ति बताई गई है 5 ग्राम प्रति लीटर, और आपसे पूछा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको विलयन की शक्ति दी गई है तो उस केस में जो आयतन होगा वो आपके लिए हमेशा एक लीटर हो, आयतन आपके लिए हमेशा एक लीटर होगा, और विलय पदार्थ की जो मात्रा है, विलय पदार्थ की जो मात्रा है वह आपके लिए, ये जो आंकिक मान दिया गया है ये आपके लिए विलय पदार्थ की मात्रा होगी। तो यानी आप कह सकते हो कि 5 ग्राम प्रति लीटर विलयन से तात्पर्य है कि विलयन के, जैसे कहा आयतन हमेशा इस केस में एक लीटर लोगे, तो विलयन के एक लीटर में विलय पदार्थ के कितने ग्राम, 5 ग्राम, विलय पदार्थ के 5 ग्राम घुले हैं। जैसे अगर आपसे फिर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 ग्राम प्रति लीटर विलयन से क्या तात्पर्य है, तो यानी इस केस में आपका विलयन का जो आयतन होगा वो 1 लीटर ले लेंगे, और विलय पदार्थ की जो मात्रा होगी वो आप 2 ग्राम ले लोगे। तो यानी आप क्या लिखोगे इस केस में कि 2 ग्राम प्रति लीटर विलयन से तात्पर्य है कि विलयन के 1 लीटर में विलय पदार्थ के 5 ग्राम घुले हैं। जो हम सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम
डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित किसी घटक की ग्राम में मात्रा उस घटक की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन में कोई दो घटक उपस्थित है, एक घटक ए और एक घटक बी, और हम ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ए के द्रव्यमान को ऊपर रख देंगे जो कि ग्राम में होना चाहिए, और डिवाइड कर देंगे विलयन के द्रव्यमान से। विलयन के द्रव्यमान का मतलब होगा कि ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होना चाहिए, एंड इनटू 100। ऐसे अगर मैं बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाह रहा हूं तो उस केस में बी के द्रव्यमान को ऊपर रख दिया जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा विलयन के द्रव्यमान से। खास बात कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, उसका कारण यह है कि जो ऊपर अंश है वो भी हमारे पास ग्राम में है और जो नीचे हर है वो भी हमारे पास ग्राम में है, तो दोनों मात्रक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस कारण से द्रव्यमान प्रतिशत का कोई भी मात्रक नहीं होता। इस पे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू विलयन से क्या तात्पर्य है, तो आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर किस तरीके से लिखेंगे जरा समझिए। जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आपने विलयन के 100 ग्राम ले लेने, विलयन की जो मात्रा है वो हमेशा 100 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई भी घटक नहीं बताया गया, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा हम हमेशा विलय को लेंगे। अब विलय की मात्रा कितनी लेनी है, जितना ये आंकिक रूप आपको आंकिक परिमाण आपको दे रखा है उसको यहां पे लिख लीजिए, मतलब 2 ग्राम। तो आप कहेंगे कि 2% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू विलयन से तात्पर्य है कि विलयन के 100 ग्राम में विलय के 2 ग्राम घुले हैं। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम नेक्स्ट तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, और जो हमारा थर्ड मेथड है उसको हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। और जिस तरीके से हम द्रव्यमान प्रतिशत को W अपॉन W से दिखाते थे उसी तरीके से हम आयतन प्रतिशत को वी अपॉन बी से दिखाते हैं। और इस केस में बस ये होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत में हम द्रव्यमान के रूप में लेते थे, आयतन प्रतिशत में हम बस आयतन के रूप में लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हम विलयन के 100 ग्राम की जगह 100 मिलीलीटर ले लेंगे, में उपस्थित किसी घटक की ग्राम में मात्रा की जगह मिलीलीटर में मात्रा, उस घटक की आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसी तरीके से सूत्र में भी ए का आयतन प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो मैं ए के द्रव्यमान की जगह यहां पे ए का आयतन ऊपर रख दूंगा, आयतन हम मिलीलीटर में नापेंगे और डिवाइड कर देंगे विलयन के आयतन से, यहां पे भी ग्राम की जगह मिलीलीटर। खास बात इसका भी कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि अंश और हर दोनों के मात्रक समान होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस कारण से आयतन प्रतिशत का कोई मात्रक नहीं होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 2% बी बाय बी विलयन से क्या तात्पर्य है।
तो इस केस में आपने बस ध्यान रखना है जब आपको आयतन प्रतिशत दिया जाए तो विलयन यानी कि आप 100 मिलीलीटर ले लेंगे और जो विलय की मात्रा है वो ले लेंगे जो यहाँ पे आंकिक मान आपको दिया हुआ है, मतलब 2 मिलीलीटर, बस आयतन के रूप में लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2% वी बाय वी विलयन से तात्पर्य है कि विलयन के 100 मिलीलीटर में विलय पदार्थ के 2 मिलीलीटर घुले हैं।